सो वेलकम बैक दोस्तों, आ गए हम एक और नया वीडियो लेके। तो दोस्तों देख सकते हो आज के इस वीडियो में हम लोग ये बताएंगे कि कैसे आपको ये वाला बॉर्डर बनाना है। तो इस वीडियो में मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है, आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है, कहीं पे भी मिस नहीं करना है। तो ज्यादा टाइम ना गवाए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पे देना मत भूलना, क्योंकि हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्मा बनाएंगे। तो फर्मा बनाने के लिए आपको एक टाइल का जरूरत पड़ेगा, और अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइस आता है तो वो नॉइस को आप इग्नोर करना, क्योंकि मैं ये वीडियो जो है रात को बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको जो है एक मार्किंग कर देना है, देखो मेरे जैसा एक मार्किंग यहाँ पे लगा देना है। तो मार्किंग आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 30 सेंटीमीटर का एक और मार्किंग यहाँ पे कर देना होगा, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आपको टाइल ले लेना है, और टाइल को ठीक जिस पॉइंट पे आपने 30 सेंटीमीटर का मार्किंग किया है वहाँ पे एक सीधा लाइन ड्रॉ कर देना है लाइक दिस। तो जिस जगह पे आपने लाइन ड्रॉ किया है वहाँ पे आपको एक और यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको जो है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर का एक और जो है मार्किंग कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे सीधा एक लाइन ड्रॉ कर दो जैसा मैं कर रहा हूँ। तो इतना हो जाने के बाद मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो है 30 सेंटीमीटर और यहाँ पे 30 सेंटीमीटर का एक मार्किंग किया है। उसके बाद जहाँ पे आपने सीधा लाइन ड्रॉ किया है वहाँ पे लेके आपको 12 सेंटीमीटर देख सकते हो, यहाँ से लेकर मैंने जो है 12 सेंटीमीटर पे एक और मार्किंग इधर कर दिया है। तो आपको भी ऐसा ही मार्किंग कर लेना है। तो अभी जिस जगह पे हमने मार्किंग किया है वहाँ पे टाइल को लगा देना है अच्छे से सीधा करके। तो यहाँ से देख सकते हो मैंने एक और जो है लाइन ड्रॉ कर दिया है, आपको भी ऐसा ही एक लाइन ड्रॉ कर देना होगा। तो जहाँ पे आपने जो है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर लिया था तो वहाँ पे क्या करना होगा ना, आपको इस जगह से लेकर इस जगह तक आपको लाइन ड्रॉ कर देना है लाइक मेरे जैसा। तो ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको इस जगह पे जो है एक मार्बल लगा देना है, मार्बल का टुकड़ा लगा देना है। तो आपको एक सीधा वाला मार्बल का टुकड़ा यहाँ पे लगा देना है। देख सकते हो मैंने यहाँ से लेकर जहाँ पे हमने मार्किंग किया था बस इस जगह पे आपको एक सीधा पत्थर लेके यहाँ पे अच्छे से चिपका देना है ताकि ये ना हिले। तो बस इतना करने के बाद हमारा एक फर्मा रेडी हो गया है। फिर आपको एक 2 सेंटीमीटर का चौड़ा व्हाइट पत्थर ले लेना है। देख सकते हो मैंने 2 सेंटीमीटर यहाँ पे काट कर रेडी कर रखा है, तो आपको भी ले लेना है। तो अब आता है हमारे फर्मा की ओर। देख सकते हो मैंने फर्मा में यहाँ पे जो है 1 इंच का एक पत्थर लगा दिया है। उसके बाद जो है आपका जो 2 सेंटीमीटर का जो लेंथ आपने जो पत्थर लिया था वो पत्थर को आपको यहाँ पर लगा देना है। सिंपली लगा के आपको काटते जाना है, जितना आपकी ज़रूरत है अपने हिसाब से आप कटिंग कर लेना। तो मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से कटिंग करके रखा है, आपको जो है अपने हिसाब से कटिंग कर लेना है। ना हो जाने के बाद आपको 2 इंच का जो है यहाँ पे देख सकते हो मैंने 2 इंच का पत्थर कटिंग करके रेडी करके रखा है। तो यहाँ पे मैंने टोटल एक ग्रीन कलर लिया है, उसके बाद एक ब्राउन कलर लिया है, और एक व्हाइट कलर का जो है मतलब येलो कलर का जो है आपको 3 ठो कलर जो है आपको कटिंग करके रखना है 2 इंच में। फिर आपको 4.5 सेंटीमीटर का एक पत्थर ले लेना है। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हो मैंने 4.5 सेंटीमीटर का एक पत्थर लिया है, और इस 4.5 सेंटीमीटर का जो पत्थर है वो पत्थर को आपको इस जगह पे लगा देना है। आपने जो 2 इंच का पत्थर लिया है वो 2 इंच का पत्थर यहाँ पे लगा देना है, लगा के सीधा देख सकते हो मैंने जिस तरह के कटिंग कर रहा हूँ आपको भी जो है इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो एक बार कटिंग कर लेने के बाद आपको देख सकते हो मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। उसके बाद आपको जो है पत्थर को इस तरह से घुमा देना है, एक बार और आपको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद आपका जो है पत्थर का शेप कुछ इस तरह से दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे 2 कलर का पत्थर कटिंग कर लिया है, आपको जो है इस तरह से 2 कलर का कटिंग कर लेना है। फिर आपको एक और फर्मा बना लेना है, और ये फर्मा जो है एकदम आसान होगा। तो सिंपली जैसे आप 30 सेंटीमीटर का एक मार्किंग करते हो सेम उसी तरह से आपको एक मार्किंग कर लेना है। उसके बाद इस मार्किंग से जो है आपको सीधा एक लाइन ड्रॉ कर देना है, और उस लाइन पे आपको 6-7 इंच का एक मार्किंग कर देना है। उसके बाद आपको जैसे आपने पिछले बार जो पत्थर लगाया था उसी तरह से आपको एक और पत्थर यहाँ पे लगा देना है। हो जाने के बाद आपका फर्मा रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको 1.5 सेंटीमीटर का एक पत्थर ले लेना है, और यहाँ पे जो है मेरे जैसा लगवा देना है। फिर हमने जो 2 इंच का ब्राउन पत्थर कटिंग करके रखा था वो हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो एक बार कटिंग कर लेने के बाद आपको जो है पत्थर को ऐसे घुमा देना है, घुमा के फिर से लगा देना है, और फिर से आपको एक कटिंग कर लेना है। तो कटिंग हो जाने के बाद आपका शेप कुछ इस तरह का दिखेगा। तो हमने सभी शेप का पत्थर कटिंग करके रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं एक एक करके आपको जो है सभी शेप दिखा देता हूँ। तो हमने जो है अभी जो हमने फर्मा पे जो कटिंग किया था वह हमें अलग अलग शेप का मतलब अलग अलग कलर का हमने पत्थर कटिंग करके रखा है। तो ये जो शेप है सब एक ही सा मतलब एक जैसा ही होगा, यहाँ पे आपको फर्मा चेंज नहीं करना, बस आपको इतना सा जो है कटिंग कर लेना है। तो इतना कटिंग कर लेने के बाद आपका जो है पूरा प्रोसेस कम्प्लीट हो गया है, अब हम फिटिंग करेंगे। तो अब हम फिटिंग करने के लिए पूरा रेडी है। तो देख सकते हो मैंने एक एक करके जो है फिटिंग करना रेडी मतलब शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हो आपको जो है इस तरह से फिटिंग कर लेना है, मैं जैसे फिटिंग कर रहा हूँ आपको भी ऐसे ही कर लेना है।
तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये जो वीडियो है मैं रात के वक्त जो है वॉइस ओवर कर रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं दिन में वीडियो बनाता मतलब वॉइस ओवर करता तो आपको जो है बहुत सारा नॉइस आता, तो अच्छे से आपको सुनाई नहीं देता। तो इसीलिए मैं रात को वीडियो मतलब दिन को वीडियो में शूट कर लेता हूँ और रात को मैं वॉइस ओवर करता हूँ, और ये सब कुछ मैं मोबाइल पे करता हूँ तो मोबाइल पे करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक कंप्यूटर ले ले, कंप्यूटर अगर होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि मैं जो है इससे भी अच्छा मतलब इससे भी अच्छा मैं आप लोगों को वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो बस इतना ही था, बाकी कहीं पे कंफ्यूजिंग हो तो हमें कमेंट में बता देना, हम कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो हमारा फाइनल लुक कुछ इस तरह का दिखेगा, बहुत अच्छा लगता है ये, मतलब आप जब खुद बनाओगे तो आपको पता चलेगा। और बाकी इतना ही था, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर दे देना, वीडियो को लाइक करना एकदम ही मत भूलना, बाकी हमारे साथ कनेक्ट रहे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।